जबकि कनाडा में डेट एक दिन बाद होती है, कैलेंडर में डेट एक दिन बाद होती है, लेकिन जो फेस्टिवल होते हैं वो एक दिन पहले होते हैं। तो मैंने पंडित जी से पूछा था, मैं कहा ऐसा क्यों होता है? बच्चे कह रहे हैं, चीकू कह रहे हैं, वर्ल्ड इज नॉट फेयर एट ऑल। 5-7 सेकंड के बाद This I think is the most beautiful time of the year in Canada. Incredibly beautiful colors I am wearing पेड़ों पे इस time. बहुत ही beautiful. Look at that tree. कितना beautiful लग रहा है colors बीच बीच में. एक ही tree के अंदर. हाँ, काफी अच्छे अच्छे colors. एक दो week में तो colors खत्म हो जाएंगे सारे. सारे पत्ते गायब. Do you know ये why does it happen? Why? You tell me why does it happen? Trees go to sleep for they hibernate. Okay. भालू की बात नहीं कर रहे. येलो तो दिख रहा है, येलो तो बहुत अच्छे हैं कलर्स किसी किसी से. ये वाला पेड़ पूरा येलो है. इतनी ठंड में पसीना भी आ रहा है लोगों को यार. हमें भी अब इतने साल हो गए, थोड़ा मतलब जो लोग कनाडा में पैदा हुए हैं उतनी तो हमारे को हैंडल नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी थोड़ी बेटर हो जाती है हैंडल. लेकिन जैकेट की जरूरत पड़ती है और बच्चों को पड़ती ही नहीं जैकेट की जरूरत. बच्चे तो भाई जैकेट मत बोलो हमारे को पहनने के लिए. इधर आओ फोटो लेता हूँ यार, कितने अच्छे कलर्स हैं यहाँ देखो. वेरी नाइस. सो आई वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग. दो दिन पहले मैंने टेस्ला की वीडियो डाली थी जिसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग वाली टेस्ला टेस्ट कर रहा था मैं. सो किसी ने उसमें कमेंट किया था कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी गाड़ियाँ खरीदेगा नहीं, सारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगी क्योंकि गाड़ियों के अंदर AI है, फुल सेल्फ ड्राइविंग होगी, तो आपको गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है, गाड़ी आएगी आपको पिकअप करेगी ले जाएगी. सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही है. और कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका प्लान भी ऐसा, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हुई, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस विद द ऑडियंस हियर कि आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा. मेरे को इतना नहीं लगता कि ऐसा होगा, बिकॉज यू नो कि देखो लोगों को ना ओनरशिप से बहुत प्यारा है. पीपल लव टू ओन थिंग्स. यू लव टू ओन हाउसेस, यू लव टू ओन टेक्नोलॉजी, iPhones, घड़ियाँ लोग रखते हैं अपने पास में. लोगों को ये कन्विंस करना कि आप गाड़ी खरीदो मत, आपको जब चाहे गाड़ी मिल जाएगी. सी गाड़ी तो अभी भी मिल जाती है लोगों के पास, उबर तो अभी भी है, लेकिन कितने सालों से उबर भी है, टैक्सी भी है, सब चीज़ें, बट पीपल स्टिल बाय कार्स. अगर किराए की गाड़ी है तो बच्चों के साथ मुझे तो बस ये लगता है कितना सारा सामान है जो हमारी गाड़ी में हर वक्त रहता है. Actually, my parents watch a lot of your videos and even I do. Oh, okay. They are being very informative. Nice meeting. What's your name? Rishabh. Rishabh. So will people keep cars or they will just have subscription? I think they will because people like the idea of driving. And then right now, अभी आजकल भी like there are two types of people who would just have a driver or who would like to drive their car themselves. Yeah. अभी जैसे बहुत maximum गाड़ियाँ North America में they are automatic, but there are still some enthusiasts जो manual गाड़ी purchase करते हैं with the manual gear. Exactly. Exactly. Because they are enthusiasts. Exactly. Similar like even motorcycles as well. यहाँ पे like motorcycle does not have a utility. But yeah. Some people own it because of their. Like, yeah. Motorcycle को utility नहीं है यहाँ पे. Okay. Rishabh, right? Yeah. Nice talking to you. Same here. viewers in the mud. लोग अगर सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी की बात होती तो फिर जैसे लोग रोल्स रॉयस रख रहे हैं, बेंटलीज रख रहे हैं, फरारीज रख रहे हैं, उनके ड्राइववे के बाहर खड़ी हुई है, उन्होंने चलानी नहीं है एक भी दिन. वो साल में गिनती के 10 दिन कार चलाते होंगे, बाकी इज मोर लाइक अ ओनरशिप स्टेटस सिंबल. तो मुझे लगता है कि ये चीज खत्म करना इज नॉट ईजी. चढ़ सकता है खुद, उतर नहीं सकता. चढ़ना तो खुद ही पड़ता है जिंदगी में. ऋषि उतारने के लिए तो बाकी बकरियां बैठी है. अभी वैसे और भी यहाँ पे घूमने का बहुत मन है. काम ऐसे कुछ नहीं है, बट नवरात्रि चल रहे हैं तो साक्षी ने व्रत रखा हुआ था, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था. मैंने 2 दिन रखा था, बट क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना था तो रोज का पॉसिबल सबके लिए पूरी फैमिली के लिए नहीं हो पाता.
तो अभी भाई आ रहे हैं, उन्होंने भी व्रत रखे हुए हैं, सो घर में बनेगा डिनर। मैं और भाई मोस्ट लाइकली जाएंगे बाहर खाने के लिए, आज ब्रदर्स की डेट होगी बाहर। तो दिस लीफ इज ग्रीन और आधा पत्ता लाल हो गया, देख ये देख, ये जो पानी की आवाज आ रही है और पीछे जो रंग नजर आ रहे हैं, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। ओके, सो ये कलर आते क्यों हैं? पेड़ों के पत्तों में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं और हर पिगमेंट का रंग होता है, और जब गर्मियों में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, धूप ज़्यादा होती है, तो एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, दैट गिव्स द ग्रीन कलर। वो क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जिसमें सन की एनर्जी को कन्वर्ट करता है पेड़ और स्टोर करके रखता है उसको। फॉल कलर शुरू हो जाता है तो ऑफकोर्स दिन में लाइट कम होती है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, तो एक तरह का वो सिग्नल होता है, एक तरह का ट्रिगर है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर वाला जो पिगमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और बाकी कलर के पिगमेंट है वो हाईलाइट होते जाते हैं। तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन हर ट्री की अपनी क्या केमिस्ट्री है, कोई किसी में येलो कलर के दिखते हैं, किसी में रेड कलर के पत्ते दिखते हैं झड़ने से पहले, क्योंकि ये एक तरह का ट्रिगर है कि अब पत्ते जो हैं झड़ेंगे। Look at that tree. मैंने इससे रेड पेड़ आज तक नहीं देखा। वो पेड़ के साथ ही पूरी ना सेमेटरी वगैरह बनी हुई है, थोड़ा सा ये इधर चर्च है, ये पेड़ है इधर सेमेटरी है। कितने दिन से घर पे ये काले वाले आटे की रोटी बन रही है, रोज एवरी सिंगल डे, रोज नहीं बन रही पहली बार, ठीक है, किसी दिन साबूदाने की खिचड़ी बनती है, किसी दिन सौंठ के चावल बनते हैं, किसी दिन ये, वही मतलब वो बार बना रही हूँ व्रत में मैं। या या देखो सेंसर हो रहा पीछे, केयरफुल गाइस गाइस, वो आगे है। ठंड शुरू हो गई है, लेकिन अभी ना ऐसी वाली ठंड शुरू हुई है कि ना बड़ी अच्छी लग रही है ठंड। बढ़िया मौसम है आज, बढ़िया मौसम, कुछ दिनों से तो ऐसे बारिश हो रही थी और इतना बट लेकिन बता रहा अभी सर्दी की ऐसी शुरुआत है कि एक्चुअली यू एंजॉय दिस काइंड ऑफ विंटर। हाँ, ये मिट्टी मिट्टी अच्छी लगती है। हाँ, ऐसे लग रहा है यार अच्छा जैकेट पहनना, मजा आ रहा है हल्का हल्का, जैसे वो हिल स्टेशन पे होती है, हिल स्टेशन वाली फीलिंग है अभी थोड़ी, बस 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 अभी आएगा असली मजा आने वाला है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। लाइन लग रही है तो बड़ी, कहाँ लाइन है, खाली पड़ा, कहाँ खाली पड़ा, पड़ा पूछना पड़ेगा, तो लाइन उसकी पिकअप ड्रॉप की लाइन लग रहा है। हाँ तो कोई आए तो ये लिखा हुआ है वेट टू बी सीटेड, तो फिर यहीं खड़े होंगे हम तो, मतलब मैं यार हमने यहाँ पे घास फूस ही खानी है, तो इससे अच्छा खाना तो घर पे ही था। घास फूस नहीं है ये, मूंग की दाल के वो है स्प्राउट्स। अगर तूने ये खा ली तेरा आज का बिल मैं पे करूंगा, एक ही बारी में झटके में खानी है, तेरा बिल मैं पे करूंगा। हाउ अबाउट रिवर्स क्या तू ये खा ले मैं बिल पे करूंगा। अरे बहुत पैसे वाला है मुझे पता, तू तो पे कर ही देगा। अच्छा जरा सी खा के दिखा कितनी टेस्टी है, कितनी तिखी है, शक्ल से तो लग रही है बहुत ज्यादा तिखी है, तिखी है अब लगी है। पहले नहीं लगी थी, करनी है ट्राई। बिल देगा ना मेरा, मैंने गई डील। तू तो खा जाएगा, ये जब बीज आएंगे ना तब मजा आएगा। बहुत है भाई, ये इतनी तिखी है दोनों का नुकसान हो गया ना, तेरे को खाना फ्री में मिला ना मेरे को फ्री में। किसी किसी को तो मिलता फ्री में, ये पीता रहा एक सिप इसका लेता रहा खाता रहा। अच्छी खासी वो है यार, 5-7 सेकंड के बाद। ये मुझे लग रहा नीचे जाते थे और तिखी हो रही है। कल सुबह पता चलेगा किस क्या टाइम है तेरा, फोन करूंगा तेरा क्या टाइम है जाने का। ऐसा लग रहा है खाना सही जगह लेकर आया हूँ या बेकार जगह? तो बड़े दिनों बाद देखो याद है डाउनटाउन में खाया खाते थे हम। हाँ, डाउनटाउन में दूसरे चौथे दिन। हाँ,
मजा आ गया, मजा आ गया ना, बढ़िया है इसका, बढ़िया रेटिंग देनी चाहिए। जहाँ लिखा हुआ ऑयल मैं ढूंढता रहा, ऑयल ही नहीं। आई नो गाइस, ये कनोला ऑयल है ना, वेरी वेरी अनहेल्दी। दिक्कत क्या है कि पूरी बनाने के लिए ऑयल यही वाला चाहिए। नहीं पूरी उसमें पूरी इज आल्सो वेरी अनहेल्दी, बट त्योहार पे पूरी ना बनाओ काम चलता नहीं। पूरी तो उसकी भी अच्छी लगती है, मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड नहीं मिलता यहाँ पे यार, क्या बात कर रहा है, मस्टर्ड होता है ना यहाँ पे। चलो मेरे को जो हुक्म मिला यार, मेरे को कनोला ऑयल का बता, इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं मस्टर्ड ऑयल से क्या होता। सरसों का तेल है? नहीं सरसों का तेल तो पता है, लेकिन वो घोड़े के दोनों तरफ वो लगी होती है ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखे, हम घोड़े हैं। हमारे को आदेश मिला कनोला ऑयल, मतलब कनोला ऑयल। अब मैं अपना दिमाग लगा के कुछ और ले जाऊं, पहले तो झाड़ पड़ेगी कि क्या बोला था क्या ले आए। नहीं आप खुद ही ग्राहक हो और खुद ही दुकानदार हो तो फिर तो पैसे नहीं देने बनते इनको। इस चीज का कुछ तो हमारे को लाभ देना चाहिए। $10 घंटा, हमने एक घंटा, $15 घंटा, एक तो आधा घंटा लगाया अगर स्कैन करने में। हाँ तो भाई $10 ऑफ, दस पंद्रह डॉलर जो मिनिमम वेजेस हैं, ये वेजेस अपना काम कर रहे हैं। हम देख डरा दिया आपने मेरे को। मगर ये कौन आ गया? सब लोग आज सुबह सुबह सबने स्नान इत्यादि कर लिया है और बन रहा है प्रसाद आज, कन्या पूजा जिसको हम लोग कंजक बोलते हैं वहां पे, हमारे वहां पे। Navya, you look pretty. राखी इज अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। लड़कियों को कह रहे बड़े गिफ्ट मिलते हैं, हमें तो ऐसे छोटा सा कुछ ले देते हैं। यहाँ पे भी सब लड़कियों को मिल रहा है। वर्ल्ड इज नॉट, गॉड डिड नॉट मेक वर्ल्ड फेयर एट ऑल। यू वांट टू बी अ गर्ल चिको, फिर बन जा गर्ल, तेरे को फिर गर्ल बन जा, तेरे को गर्ल बना दे। पूरा आज हाउसफुल था, पार्किंग में रखने की जगह नहीं थी। अभी घर पे बात हो रही थी तो वो पूछ रहे थे कि अच्छा वहाँ पे कनाडा में एक दिन पहले होती है, जबकि कनाडा में डेट एक दिन बाद होती है, मतलब कैलेंडर में डेट एक दिन बाद होती है, लेकिन जो फेस्टिवल होते हैं वो एक दिन पहले होते हैं। तो मैंने पंडित जी से पूछा था, मैं कहा ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में दिवाली कल है मान लो, यहाँ आज ही है। तो उसका वो बता रहे थे, इंडिया में जब होती है उसके बेसिस पे त्योहारों की डेट नहीं होती, त्योहारों की डेट होती है लूनर कैलेंडर के हिसाब से, पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है उसके बेसिस पे डेट्स डिसाइड होती हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में और यहाँ पे सेम ही डेट हो, मतलब एक दिन आगे पीछे होती है, और नॉर्मली यहाँ पे एक दिन पहले हो जाती है। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। शाम को हमारा प्रोग्राम है आज गरबा बजाने का, सो दैट्स गोना बी फन, दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। एंड पापा कैन यू वॉच दिस ऐप एज वेल? टाटा बाय बाय। गुड जॉब। तू तो यही।